कोलकाता में रेप और मर्डर के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कोलकाता मामले में ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर बीजेपी भी आज सीएम आवास की ओर मार्च करेगी। साथ ही साथ राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट दोपहर 2 बजे से सड़क जाम करने का भी ऐलान कर दिया गया है। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे भी 2 घंटे के लिए सभी काम बंद करने की अपील की गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की कि वो पीड़ित के लिए न्याय की मांग करने वालों के साथ एकजुटता दिखाएं। साथ ही साथ बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। कोलकाता में स्मृति ईरानी तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी मीडिया से बात करेंगे। सीपीआईएम का भी आज बंगाल में राज्यव्यापी धिक्कार दिवस मनाने का ऐलान कर दिया गया है। तो कोलकाता में बीजेपी मुख्यमंत्री आवास का आज घेराव करने वाली है और जानकारी जो मिल रही है दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर भी प्रदर्शन की तैयारी की गई है और आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर्स भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और आधी रात को आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी हुई थी 15 अगस्त को, जो जानकारी मिल रही है। और जबरदस्त गुस्सा है डॉक्टर्स में और डॉक्टर्स भी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी ने आज पूरी तैयारी करके रखी है। और जो जानकारी मिल रही है अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लोगों से बाकायदा अपील की है कि पीड़ित को न्याय दिलाने की वो लगातार जो प्रयास है उसमें वो भी शामिल हो, साथ में ये कह दिया गया है। आज तृणमूल कांग्रेस भी उधर प्रदर्शन करने जा रही है। कोलकाता रेप केस के आरोपियों को सजा देने और फांसी देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरे। दोपहर 3 बजे मौलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक निकलने वाला ये जुलूस दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ के बीजेपी और लेफ्ट पर सीधे सीधे आरोप लगाया है। तो जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिले, इसको लेकर आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन होने वाला है, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी सीएम करने वाली हैं। और आपको बता दें ये जो जुलूस है ये 3 बजे दोपहर से मौलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक निकलेगा, 3 बजे शुरू होगा। ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ के लिए बीजेपी और लेफ्ट पर सीधे सीधे आरोप लगाया है। तो कोलकाता में हुई बर्बरता के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। डॉक्टर्स भी लगातार अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आज दिल्ली में दोपहर 2 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर डॉक्टर्स का बड़ा प्रदर्शन होना है। वहीं कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमएड ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। कोलकाता कांड पर कल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इमरजेंसी मीटिंग की, इसके बाद शनिवार यानी कल के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया। शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक डॉक्टर्स की स्ट्राइक होगी। ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, इमरजेंसी सेवा हालांकि बहाल रहेगी। आज शाम डॉक्टर्स इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी निकालेंगे, तो ये अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस बीच दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर के डॉक्टर्स बेहद नाराज हैं, गुस्सा है। हम रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ हैं। साथ ही दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ को लेकर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। सीबीआई को एक अरेस्ट कर लेना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एक एविडेंस को छुपाया, एविडेंस को बिगाड़ना, एविडेंस को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए बात करी जाए, क्योंकि उससे पहले जब हमने देखा कि जो सेमिनार रूम है उसके अंदर उन्होंने तोड़फोड़ की कुछ।